इसमें सबसे पहले तो ये वाला फंक्शन मॉड वाला आपने बनाया होगा, तो ये शायद ब्रेक कहाँ हो जाता है, हाफ पे हो जाता है क्या? तो 0 से हाफ के बीच में ये कैसा ओपन होगा, नेगेटिव, तो 1 माइनस 4x² ही रहेगा, और हाफ से 1 के बीच में ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 4x² - 1 हो जाएगा। फिर 1 से लेके 2 के बीच में अगर हम बॉक्स ऑफ x² + इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये कितना रहेगा बताओ मुझे। तो -1 -1 ये तो इंक्रीजिंग रहेगा पूरे रीजन में, x=1 पे मिनिमा आ जाएगा, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, और 2 पे कितनी आ जाएगी 0, तो -1 से 0 के बीच में रहेगा, तो मतलब -1 हो जाएगा। अब सही है ना? कैसे? तो अगर हम इसका रफली ग्राफ बना भी लें तो क्या बनेगा, वो 4x² - 1 0 पे क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ पे हाफ आ जाएगा। तो 0 से हाफ, ये कुछ ऐसा आ रहा है क्या? देखो भाई, यस हाफ 0 1, और 1 पे ये क्या हो जाएगा, -1 2 तक। देख लीजिए भाई, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। हाँ है ना? यस सर। और यहाँ पर तो वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब 1 एक नॉन डिफरेंसिबल पॉइंट हो गया, हाफ कैसा हो गया, सारफेज हो गया, तो नॉन डिफरेंसिबल पॉइंट क्या क्या आ गए? हाफ आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया। चलिए अगला वाला बताइए। तो सेम आंसर। हाफ पे ब्रेक होगा, 1 पे ब्रेक होगा, 2 पे, तो एक रीजन तो हमने ले लिया 0 से हाफ तक, तो ये हाफ -x हो जाएगा। एक रीजन हमने ले लिया हाफ से 1 तक, तो ये x - हाफ हो जाएगा। सही कर रहा हूँ मैं? फिर एक रीजन हमने ले लिया 1 से 2 तक, तो ये x हो जाएगा, और फिर हम 2 पे पहुंच गए, तो ये 4 हो जाएगा क्या? बोलो भाई। यस सर। और अब हम अगर इसका रफली ग्राफ बनाएंगे तो 0 1 1 2, तो हाफ -x तो ऐसे ही बना रहेगा। सही है? फिर 1 पे वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 से 2 में ये बना रहेगा, और फिर 2 पे वैल्यू 4 हो जाएगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? यस तो इसका मतलब कहाँ कहाँ डिस्कंटिन्यू नॉन डिफरेंसिबल आ रहा है, सेम आ गया। कहाँ कहाँ आ गया, हाफ पर, 1 पे और 2 पे। चेक कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। तो इसमें हमें चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम में सबसे पहले तो ये चलेगा sin x ना, इसके बाद हाफ, फिर चलेगा cos x। कहाँ तक? यहाँ तक, और फिर शायद sin x चलेगा ऐसा। यस सर। तो ये वाला पॉइंट पाई + π/4 होगा, तो
तो इसको तो हम 5 pi/4 कह देंगे, ये वाला पॉइंट होगा pi/6, ये वाला पॉइंट होगा pi/3, 0 और ये 2 pi, तो नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट 3 आ जाएंगे। क्या क्या आ जाएंगे, pi/6 आ जाएगा, pi/3 आ जाएगा और 5 pi/4 आ जाएगा, यही बता रहे थे। तो मैक्स मैक्स साइड से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले ये वाला आएगा cos x, फिर ये sin x आएगा यहाँ तक, फिर ये हाफ वाली लाइन जाएगी और फिर ये आएगा, तो यही ग्राफ बन रहा होगा। यस सर। तो अगर मैं ग्राफिकल एनालिसिस करूँ तो पाई बाई फोर तक क्या आ रहा होगा, cos, इसके बाद फिर आ रहा होगा sin, कहाँ तक, 5 pi/6 तक, इसके बाद हाफ जाएगा कहाँ तक, 5 pi/3 तक, और फिर cos x जाएगा, देख लो शायद यही आ रहा है। सही है ना ये नेचर, ये वाला पॉइंट मिल गया pi/4, ये वाला पॉइंट मिल गया 5 pi/6, ये मिल गया 5 pi/3, सही लिख रहा हूँ ना मैं, और ये हो गया 2 pi। एक सेकंड, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा नीचे आएगा बेसिकली ना, देख लीजिएगा। तो इसके अगले अगर हम मैक्स के लिए नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट निकालें तो क्या मिलेंगे हमें, बोलते जाइएगा, pi/4 मिलेगा, 5 pi/6 मिलेगा, 5 pi/3 मिल जाएगा। क्या सही लिखे मैंने सारे पॉइंट, तो मैक्स और मिन, अब इस तरह की सिचुएशंस में अब आपको इसमें इन सारे क्वेश्चंस में सिंपल क्या करना है, मिनिमा। तो अगर हम दोनों ग्राफ के मिनिमा पे ही फोकस कर जाएं, तो ये तो सर्किल वाला रीजन है, तो y इक्वल टू मॉड x, तो ये हो गया, समझ में आ रहा होगा। और अब -1 से 1 के बीच में एक सर्कुलर रीजन बन जाएगा, हाफ सर्कल, वो ऐसा हो गया, समझ गए कि नहीं, ये हाफ सर्किल वाला रीजन बनेगा कि नहीं, अभी तो ये फुल सर्किल दिख रहा है, बट इसी में से हाफ सर्किल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बता दो मुझे। क्या ये बात समझ पा रहे सब लोग, अब इसी में हमें क्या देखना है, मिनिमा देखना है, तो ये जहां बराबर होगा वो पॉइंट -1/√2 और वो पॉइंट +1/√2 आ जाएगा, और यहाँ से लेके ये मिनिमा चाहिए हमें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आ जाएगा। अब हम फाइनल ग्राफ बना देते हैं। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया -1 से 1 के बीच में, जब आप इसकी बात करोगे सेकंड वाले रीजन की, तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, यानी ये जो ग्राफ होगा, -2 से -1 union 1 से 2 के बीच का रीजन होगा, -2 से -1 में बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम एक्स हो जाएगी, अरे भूलो यार, तो क्या ये जो पूरी वैल्यू है ये 1 से 2 के बीच में, ये तो हमेशा 1 ही रहेगा फिर, अरे बोलो यार। तो अगर चाहो तो इसको ब्रेक करके भी लिखना हो तो ऐसे लिख लो, पहला रीजन, जब हम x को -2 से -1 लेंगे तो ये वैल्यू 1 रहेगी,
फिर जब हम x को माइनस वन से लेके कहाँ तक लेंगे, वन बाई रूट टू तक लेंगे, सॉरी माइनस वन बाई रूट टू तक लेंगे, उल्टी लगा सकते हो, तब ये रहेगा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, देखते जाना। फिर जब हम x को लेंगे माइनस वन बाई रूट टू से कहाँ तक, जीरो तक, तब ये माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। फिर जब हम x को लेंगे जीरो से लेके वन बाई रूट टू तक, नहीं हाँ, तब ये x के बराबर होगा। और जब हम x को वन बाई रूट टू से लेंगे कहाँ तक, वन तक, इंक्लूडिंग वन, तब ये फिर से रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और फिर जब हम x को वन से टू ले लेंगे तो फिर से वन हो जाएगा। ये आ गया रफली, नहीं तो समझ में आया सबको, बोलिए भाई। और अब अगर हमें इसका ग्राफ एग्जैक्ट ड्रॉ करना है तो इवन फंक्शन टाइप फीलिंग दे रहा है ये, बोलिए भाई। समझ में आ गया ग्राफ का नेचर की नहीं भाई? आप कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो बता सकता है मुझे। ग्राफ में जहाँ दिक्कत आ रही थी क्या वो बात क्लियर हुई भाई? यस सर, यस सर। अब ये ग्राफ बनेगा तो अब इसके हिसाब से आपको पॉइंट और डिसकंटिन्यूटी नजर आ रही होगी। बोलिए भाई। यस सर, कहाँ कहाँ आ रही नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नजर? माइनस माइनस अंडर रूट टू जीरो तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या क्या हो गया इसमें? माइनस वन हो गया, माइनस वन बाई रूट टू हो गया, जीरो हो गया, वन बाई रूट टू हो गया और वन हो गया। इसमें टू और माइनस टू पे चेक नहीं होगा ना? Yes. वो आपके पास पॉइंट है ही नहीं ना चेक करने के लिए। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन दिमाग में जनरेट हो रहा हो तो बताएंगे।